हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आप जन्म प्रमाण पत्र अगर आप निकलवाना चाहते हैं, अगर बना हुआ है ऑलरेडी आपका, तो किस तरीके से निकालेंगे, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो उससे पहले आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको टाइप करना होगा ब्रथ, ठीक है। ब्रथ लिखोगे तो उस तरीके से वो ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा। आपको बर्थ लिखना होगा, जब आप बर्थ सर्टिफिकेट लास्ट टाइम टाइप करेंगे तो आपके पास हिंदी में भी लिखा आ सकता है और इंग्लिश में भी। तो जो सबसे पहले वाला होगा उस पर आप ओके कर दें। ओके करने के बाद में आप थोड़ा इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना होगा और कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आएगा, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता या चल नहीं रहा पोर्टल, तो आप इसको डेस्कटॉप साइड पे मोड पे ले लें, तीन डॉट पे जाकर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होता है जहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे ओके कर दें। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोर्टल चलेगा छोटा, क्योंकि ये कंप्यूटर की तरह काम नहीं कर रहा था। हम तीन डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइड पर कर लेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, जूम करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दें उस कस्टमर का जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र निकाल रहे हैं, या वो मोबाइल नंबर जो जन्म प्रमाण पत्र में लिंक है, ठीक है। तो हम वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे और कैप्चर डाल देते हैं। कैप्चर आप आराम से डालें, अगर गलत डालता है तो रिफ्रेश करके दोबारा से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो ये तीर का जो गोल घूम रहा है, इस पर दरअसल रिफ्रेश कर सकते हैं, घुमा के दोबारा से बदल जाएगा। यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप थोड़ा इंतज़ार करें और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख जाएगा, नीचे नाम दिख रहा है जिसका हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यहाँ पे टिक मार्क कर दें, ठीक है। टिक मार्क करने के बाद में लिखा हुआ भी कि OTP से प्राप्त करें, तो यहाँ पे हमने OTP सेंड कर दिया। तो OTP यहाँ पे हम दर्ज करेंगे, डालेंगे और डाउनलोड सर्टिफिकेट पे ओके कर देंगे। अभी OTP आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही OTP आता है हम OTP टाइप कर देते हैं। और डाउनलोड सर्टिफिकेट पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड होना स्टार्ट दिखाई देगा। नेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है प्रोसेस। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पर ओके करेंगे तो ये देखिए डाउनलोडिंग HTML लिखा होगा और ओपन, हम ओपन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसका PDF जो ओपन होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से जो जन्म प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसे आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।